हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पेटीएम कंपनी के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट पोस्ट निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा क्या क्या डिटेल क्या क्या रिक्रूटमेंट या क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, पेटीएम के जो ऑफिशियल पेज है जिसको यहाँ पे ओपन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते। इस पेज में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते व्यू ऑल ओपनिंग, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद पेटीएम में जो जो रिसेंटली पोस्ट निकला हुआ है, जो जो वैकेंसी निकला है, उसका ऑल डिटेल्स यहाँ पर चला आएगा। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ऑल ओवर इंडिया इसका जॉब लोकेशन रहेगा, क्योंकि पेटीएम ऑल ओवर इंडिया में इसका जो कि कंपनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसलिए पेटीएम के ऑल जॉब जो है ऑल इंडिया लोकेशन बेसिक्स है। तो जो लोग चाहते हैं कि आपके घर के पास ही जॉब ढूंढना, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले जो पोस्ट निकला हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंटिंग जनरल बैकग्राउंड के लिए दिल्ली वैकेंसी है। इसका जॉब लोकेशन फुल टाइम बिजनेस है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट के पोस्ट निकला हुआ है जिसका आपको नोएडा CST फुल टाइम जॉब है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ट्रेनर नोएडा के लिए यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद पोस्ट हुआ है बैकेंड डेवलपर जिसके लिए आपको नोएडा गुड़गांव में इसका जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बैकेंड डेवलपर बेंगलोर के लिए जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वन बाय वन बहुत सारे जो कि यहाँ पे आपको जॉब लोकेशन मिल जाए, बहुत सारे पोस्ट जो यहाँ पे निकला हुआ है रिसेंटली। तो यहाँ से अब कोई भी जॉब सिलेक्ट करके या कोई भी पोस्ट सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक से बढ़ के एक जो कि पोस्ट है आप अप्लाई कर सकते, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन करने के लिए आप जिस की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसका जो डिटेल्स है आपके सामने चला आएगा। उसके बाद ही आप लोग उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आपको जॉब सिलेक्ट करना होगा। जॉब सिलेक्ट करने के लिए आप इस जॉब के जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद उस पोस्ट का जो डिटेल्स है आपके आप सामने चला आएगा। तो यहाँ पर जो मैं क्लिक कर दिया हूँ बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट जनरल बैकग्राउंड, जिसके लिए जॉब लोकेशन इसका रहेगा दिल्ली एंड बिजनेस फुल टाइम जॉब है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसका जो और भी कुछ डिटेल्स है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसके थ्रू आप लोग वहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का जो डिटेल्स है एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करना उस। तो दोस्तों, यहाँ पे इस जॉब के डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे प्रोसेस स्ट्रीमलिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड कैटेगरी बिजनेस यूनिट हेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट अकाउंट मैनेजर प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये सब आपको जॉब रोल रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे अगर इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देता है तो उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे नहीं देता है, तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप फ्रेशर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो लोग एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे आपको सिलेक्शन भी चांस होता है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फॉर्म दिया गया है जिसको आपको यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के लिए आपको देख सकते फर्स्ट आपका रिज्यूम और CV जो है आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। तो दोस्तों, आपके पास आपका जो रिज्यूम है आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपका ईमेल ID, फ़ोन नंबर, करंट कंपनी अगर आप कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे आपको उस कंपनी के नेम आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके लिंकेड में आपका
रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको उसका यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल दे के आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है आपको सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद अगर आपका रिज्यूम अगर सॉलिसिटेड होता है इस पोस्ट के लिए या इस वैकेंसी के लिए, तो उसके बाद कंपनी के थ्रू आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम के देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो कि सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के थ्रू। तो अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर देते हो तो आपको यहाँ पे ये जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों पेटीएम में बहुत सारे और भी जो पोस्ट निकला है, आप सेम प्रोसेस या सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते। कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के पेज भी नीचे दिया हुआ है लिंक, आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग वहाँ से जाके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हो, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।